वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एम बी ए फोर सेम एच आर स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट लॉज के अंदर। जो हमारे सब आज हम जो लेक्चर ले रहे हैं वो फैक्ट्रीज एक्ट से है। फैक्ट्री एक्ट के अंदर हम पेनल्टीज़ देखेंगे, क्या पेनल्टीज़ के प्रोसीजर्स हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने फैक्ट्री एक्ट स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पढ़े थे। आपको याद हो प्रिलिमिनरी का चैप्टर था जिसमें हमने डेफिनेशन वगैरह की बात की थी, इंस्पेक्टिंग स्टाफ का चैप्टर था, और आपका हेल्थ के रिगार्डिंग, एम्प्लॉय की हेल्थ के रिगार्डिंग हमने देखा था, एम्प्लॉय के वेलफेयर के रिगार्डिंग हमने देखा था, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि एम्प्लॉय की सेफ्टी पर हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हमने लॉ तो बना दिया लेकिन लॉ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी तो उस एक्ट की सक्सेस रहेगी। तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर कि जब लॉ का जो प्रोविजंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेंगे तभी लॉ की सक्सेस रहेगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने देखा हो जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ठीक है ना, मोटर व्हीकल एक्ट है, तो पहले उसको लोग इतने सीरियसली नहीं लेते थे क्योंकि फ़ाइन बहुत कम थे, लेकिन अब जब से फ़ाइन बढ़ाए हैं तब से आप ये देखो कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है स्टेट के अंदर जहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट को अप्लाई किया गया है। तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल सही कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ़ाइन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस एक्ट के अंदर यदि फ़ाइन है तो फ़ाइन के कारण जो और एम्प्लॉयर हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो क्या करेंगे, वो उन सारे प्रोविजंस को फॉलो करेंगे फ़ाइन से बचने के लिए। तो इस चीज़ से आप एग्री हो गए। इसके अलावा आप देखें तो आपने लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर आपने देखा होगा कि अपना कंपनी एक्ट था, तो कंपनी एक्ट 1956 था और कंपनी एक्ट 2013 था, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। किसके बेस पर है? पेनल्टीज़ के बेस पर। कि वहाँ पे जब हम 1956 की हम बात करते थे, यदि कोई पर्सन है उसने कोई फ्रॉड किया है, ठीक है ना, तो उस समय उसकी पेनल्टी क्या होती थी, जो फ्रॉड का अमाउंट है उससे कम ही होती थी, तो लोग डरते नहीं थे फ्रॉड करने से। लेकिन जब से कंपनी एक्ट 2013 आया है वहाँ पर आप ये देखें तो पेनल्टी जो है फ्रॉड के अमाउंट्स के 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इस तरीके से रखी गई हैं। तो आप ये देखें उस एक्ट के आने के बाद फ्रॉड कम हुए नहीं हुए? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल सही है। सेम ऐसे ही अब हम पढ़ते हैं जो हमने फैक्ट्रीज एक्ट हमने स्टार्ट किया था, फैक्ट्री एक्ट के हम पेनल्टीज़ की हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पेनल्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जो फैक्ट्री एक्ट है वो बेटरमेंट कंडीशन ऑफ द वर्कमैन के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, चाहे उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग हो, चाहे उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग हो, चाहे उनके वेलफेयर के लिए रिगार्डिंग हो, लेकिन फिर भी कुछ एम्प्लॉयर अभी ऐसे थे जो कि उसको फॉलो नहीं करते थे, जो प्रिस्क्राइब गाइडलाइन को अप्लाई नहीं करते थे। तो ये डिसाइड किया गया कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही उन पर फाइन या इम्प्रिजमेंट हो। तो इम्प्रिजमेंट जो है उसकी पेनल्टीज जो हों तो वो हम सेक्शन 92 से लेके सेक्शन 106 के अंदर हम देखेंगे कि किस किस एक्टिविटी पर यदि वो प्रोविजंस पूरे नहीं करते तो उसकी क्या क्या फ़ाइन है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने अभी तक फैक्ट्री एक्ट के अंदर यदि आपने जो पुराने प्रोविजन, जैसे मैंने आपको प्रिलिमिनरी बताया था, मैंने आपको इंस्पेक्टिंग स्टाफ का बताया था, मैंने आपको एम्प्लॉई के वेलफेयर की बात की थी, हेल्थ की बात की थी, सेफ्टी की बात की थी, यदि आप वहाँ पे जाके देखें तो कंपनी एक्ट की जो सेक्शन है उस चैप्टर्स के अंदर जाके देखें, जैसे आप हेल्थ के चैप्टर में जाएंगे, आप इंस्पेक्टिंग स्टाफ के चैप्टर में जाएंगे, आप जाएंगे वेलफेयर के चैप्टर में, आप सेफ्टी के चैप्टर में जाएंगे, तो वहाँ हर सेक्शन के अंदर एक प्रोविजंस बता रखा है कि ये प्रोविज़न हमें फॉलो करना है। अब वहाँ पे वो सेक्शन फॉलो नहीं होती हैं तो उन सेक्शंस के फॉलो नहीं होने के कारण कुछ पेनल्टी लगाई जा सकती हैं, उसको हम इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है कि इस लेक्चर के अंदर वही चीज़ें हम समझने वाले हैं जो हमने पहले बोली थी कि ये चीज़ें लागू होनी चाहिए लेकिन वो किसी कारण से लागू नहीं हो पाई, तो उनके लागू नहीं होने पर क्या क्या पेनल्टी हो सकती है उनको हम समझने वाले हैं। क्लियर है आपको? बढ़े आगे, चलो ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेक्शन 92 से। सेक्शन 92 से 106 तक अपना सफर रहेगा, मैंने आपको बता ही दिया। सेक्शन 92-106 प्रोवाइड द पेनल्टी एंड प्रोसीजर अलोंग विद द प्रोसीजर मैटर्स। सेक्शन 92 जनरल पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस, हु शैल बी लायबल। तो हम यहां पे देखें कि यदि जनरल पेनल्टी ऑफेंसेस है तो उसमें कौन लायबल होगा, तो वहाँ पे लायबल होगा आपका ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर क्या होता है? ऑक्यूपायर फैक्ट्री का ओनर होता है, ठीक है ना, मैनेजर भी हो सकता है कंपनी का जिसको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये एक्ट बताता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट
एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 93 कॉन्ट्रावेंशन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यदि कोई इस एक्ट की जो सेक्शन 92 को फॉलो नहीं करता है तो उस समय उसका जो इम्प्रिजमेंट होगा वो 2 साल का होगा और जो पेनल्टी होगी 1 लाख रुपए की होगी। यदि उसका फ्रॉड कंटिन्यू है तो उसमें सेक्शन 93 हम देखेंगे और ये जो इम्प्रिजमेंट और फ्रॉड है ये दोनों भी उसको पे करने पड़ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सेक्शन 92 में हमने 2 की बात की, तो 2 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट की बात की हमने, 1 लाख की हमने पेनल्टी की बात की और दोनों चीज़ें भी हमने समझी। तो आपको सेक्शन 92 समझ में आया है और मैंने आपको यहाँ पे हिंट भी दे दिया है कि जो आगे आने वाली सेक्शन है अपनी 93 उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो सेक्शन 92 है उसके प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहे, तो सेक्शन 93 और 94 के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं एनहेंस पेनल्टी आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, कि पुरानी गलती के बावजूद पुराने प्रोविजंस को नहीं लागू करने के बावजूद वही कंडीशन, वो कह रहे ना वह स्थिति पहले के जैसी है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू चल रहा है तो वहाँ पे सेम प्रोविज़न 92 वाला चलेगा। इसके अलावा जो 2 साल का इम्प्रिजमेंट था उसको बढ़ा के 3 साल किया जा सकता है। फाइन जो था, जो आपका 1 लाख था उसको बढ़ा के 2 लाख किया जा सकता है और मिनिमम जो फाइन है वो 10,000 से कम नहीं होगा और जो इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों भी बोथ भी हो सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि यदि वही जो गलती हम सेक्शन 92 के अंदर कर रहे थे यदि हम उसको यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं तो हमें मिनिमम 10,000 का तो फाइन पे करना होगा और ये फाइन 1 लाख से बढ़ के 2 लाख भी हो सकता है और इम्प्रिजमेंट 2 साल से बढ़ के 3 साल भी हो सकता है। तो आपको नेक्स्ट सेक्शन भी समझ में आया, बोलो। प्रीवियस सेक्शन को भी मैंने यहाँ पे रिपीट किया और जो नेक्स्ट सेक्शन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको भी रिपीट किया, तो आई थिंक दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। बढ़े आगे, फिर हम चलते हैं पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इंस्पेक्टर होता क्या है। देखो जब हमने चैप्टर्स की बात की थी, इंस्पेक्टिंग स्टाफ की बात की थी, तो जो इंस्पेक्टर पर्सन होता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी से उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कंपनी से इंटरेस्ट होने का मतलब ये हुआ, सपोज मान लीजिए वो कंपनी के ओनर या कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, उसने प्रोप्राइटर है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि जो पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर है तो उस केस में क्या पेनल्टी होगी। देखो तक है, जो इंस्पेक्टर रहता है वो फैक्ट्री की साइट पर विजिट कर सकता है, आप बताओ। उस विजिट्स को करने का उसका पर्पस होगा, जिसके लिए वो जा रहा है तो उसके लिए वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो रजिस्टर की फॉर्म में हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, वो फैक्ट्री के पास होने चाहिए जब इंस्पेक्टर मांगता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो उस समय माना जाएगा कि आपने जो इंस्पेक्टर है उसको रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड की, क्योंकि जो आपका इंस्पेक्टर है वो उसी रिकॉर्ड के बेस पे क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप इंस्पेक्टर को रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड कराते तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगा फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, कि वहाँ पे 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट होगा। इसके अलावा जो पेनल्टी होगी वो आपकी 10,000 होगी। तो यहाँ पे दोनों भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो सेक्शन 95 आपको समझ आया कि जो इंस्पेक्टिंग स्टाफ के अंदर जो इंस्पेक्टर है वो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यदि हमसे मांग रहा है और वो डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड नहीं कराते तो वहाँ पे हमें पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। बात को बढ़ाएं आगे, ओके। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो है सेक्शन 96। 96 ये बताती है कि रॉन्गफुली हम इंटेंशनली कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, एनालिसिस जो है सेक्शन 91 वाला, हम गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि सेक्शन के अंदर हम जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे रहे, हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, रॉन्गली हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, रिजल्ट जो है हम चेंज कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो आपका इम्प्रिजमेंट है वो 6 मंथ का होगा और फाइन वही 10,000 का होगा और ये दोनों भी हो सकते हैं। तो जो आपकी सेक्शन 98 है वो आपको समझ आ गई होगी कि यदि हम जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे रहे, या फिर वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, हमें उस समय यदि हम सही इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम उस पेनल्टी से बच सकते हैं, लेकिन हमने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उसके लिए जो 6 मंथ का जो है आपका इम्प्रिजमेंट रहेगा और जो फाइन रहेगा वो 10,000 का होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो सेक्शन 96 आपको समझ में आया, ओके। बढ़ते हैं हम आगे, सेक्शन 96 ए की हम बात करते हैं। अच्छा आपको याद हो जब हमने
हजार्डियस एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो तो सेक्शन 41B और सी और एच की हमने बात की थी। तो ये विद रेस्पेक्ट जो फेलियर और कंट्रावेंशन है आपका, यदि वो वाली एक्टिविटी हम कंटिन्यू करते हैं आफ्टर 1 ईयर, इफ़ द फेलियर और कंट्रावेंशन कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ ए 1 ईयर, कि हम 1 साल से ज़्यादा उसको कंटिन्यू रखते हैं, तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो था आपका बढ़ा के 7 साल कर दिया गया, फाइन जो था वो 2 लाख रुपए कर दिया गया। इसके अलावा यदि वो कंटिन्यू रखते हैं तो उसके अलावा उनको पेनल्टी 5,000 रुपये है वो एक्स्ट्रा भी पे करनी पड़ सकती है। तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे समझ में आई कि इम्प्रिजमेंट जो है 7 ईयर का है और फाइन जो है आपका 2 लाख रुपीज़ का है, और यदि आप कंटिन्यू रखते हो तो जो आपका एडिशनल फाइन है वो 5,000 और लगेगा आपको, और इसके अलावा जो आपका 7 ईयर का था उसको बढ़ा के 10 ईयर भी किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा कौन सा सेक्शन, बोलो, सेक्शन फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41B, 41C, 41H। ये हमने आपको याद हो इंस्पेक्टिंग स्टाफ के वहाँ पे हमने पढ़ा था, हजार्डियस एक्टिविटी के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो हमें ये भी समझ में आया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 97 की। सेक्शन 97 क्या बता रही है, ऑफेंसेस बाय द वर्कर। देखो होता क्या है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वर्कर ने कोई ऑफेंसेस किए हो, अगेंस्ट किया हो, तो उस समय उसका एक्ट इस तरीके का है, ऑफेंसेस इस तरीके का है कि वो पनिशेबल है, तो ऑक्यूपायर जो मैनेजर है उसको लगता है द ऑक्यूपायर ऑफ द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री शैल नॉट बी डीम्ड टू गिल्टी ऑफ ए ऑफेंसेस रेस्पेक्ट दैट कॉन्ट्रावेंशन। अब यहाँ पे हम ये देखें कि इस तरीके की एक्टिविटी हुई है, वर्कर ने अंडर सेक्शन 97 ऑफेंसेस किया है, तो इसका जो फाइन होगा वो 500 रुपीज़ होगा। तो यहाँ पे फाइन जो है 500 रुपीज़ के बारे में बताया गया है सेक्शन 97। फिर हम बढ़ते हैं सेक्शन 98। यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो पेनल्टी रहेगी फॉर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो पहले देखो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन देता है, आपको पता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो था आपका वो सर्टिफाइंग सर्जन जो है वो देखता है, सर्टिफाइंग सर्जन जो है। तो नोइंगली जो हम क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है अंडर सेक्शन 70 जो हमने पहले पढ़ा था, वहाँ पे जो पर्सन जिसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू किया जाता है, आपको याद हो कि जो अपने यंग पर्सन रहते हैं उनको सर्टिफिकेट फिटनेस, जो एडोलसेंस रहते हैं 15 साल से बड़े लेकिन 18 साल से कम के रहते हैं, उनको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिया जाता है। तो वहाँ पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ इम्प्रिजमेंट रहेगा 2 मंथ का और फाइन रहेगा आपका 1,000 का, और ये दोनों भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यही समझा कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जो क्या क्या पेनल्टीज हैं, उनके क्या क्या प्रोविजंस हैं, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हम लास्ट देख लेते हैं सेक्शन 99 है जो पेनल्टी परमिटिंग द डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड। देखो यदि जो चाइल्ड वर्कर है वो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो एक ही फैक्ट्री के अंदर काम कर सकता है, लेकिन यदि उसके गार्जियन उसको 2 फैक्ट्री के अंदर काम करवा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है चाइल्ड के वर्किंग आवर कम होते हैं, तो वहाँ पे हमें ये देखना होगा कि यदि ऐसी स्थिति है तो वहाँ पे 1,000 रुपीज़ का फाइन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कंसेंट पेरेंट्स की है या फिर नहीं है ये भी चेक किया जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमने ये जो पढ़ा है इंस्पेक्टिंग, जो हम चेक करते हैं कि जो चाइल्ड है उसका 2 प्लेस में एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, यदि वो प्रोविजन लागू नहीं होते तो वहाँ फाइन 1,000 का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम किसी नेक्स्ट प्रोविजन को लेंगे। थैंक्स।